बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोकस स्टेट यानी एकाग्र अवस्था के बारे में कि ये क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। जब हमारा सारा ध्यान यानी पूरी की पूरी अटेंशन किसी एक बिंदु पर, किसी एक चीज पर या किसी एक लक्ष्य पर एक फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए स्थिर हो जाती है या ठहर जाती है तो इस अवस्था को ही फोकस्ड स्टेट अथवा एकाग्र अवस्था कहा जाता है। ये वो अवस्था है जिस पर पहुंचकर जब कोई काम किया जाता है तो उसकी सफलता दर यानी सक्सेस रेट 100% हो जाती है, अर्थात आपको अपने काम में कामयाबी मिलनी ही मिलनी है। आपकी असफलता दर्शाती है कि आप कभी इस अवस्था में पहुंचे ही नहीं, और अगर आपने इस अवस्था को पा लिया तो आपकी सफलता तय है। आइए इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कुछ उदाहरणों की सहायता से बेहतर ढंग से समझते हैं। गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन की मशहूर कहानी से हम शॉर्ट ड्यूरेशन फोकस को समझ सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने जब अपने शिष्यों को दूर एक पेड़ पर रखे कबूतर के एक पुतले की आंख को निशाना बनाने का टास्क दिया तो अर्जुन को छोड़कर सभी शिष्यों को कबूतर के अलावा पेड़, पेड़ की पत्तियां, डालियां, आकाश और कबूतर के आसपास मौजूद चीजें नजर आईं। पर अर्जुन का फोकस इतना अच्छा था कि उन्हें अपने गुरु द्वारा दिए गए लक्ष्य अर्थात कबूतर की आंख के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, और गुरु के आदेश के बाद जब उन्होंने अपने तीर को छोड़ा तो वह सीधे कबूतर की आंख में जा धंसा, यानी 100% सफलता। चूंकि आप कबूतर की आंख पर या किसी बिंदु पर 4 दिनों तक निशाना लगाए नहीं बैठ सकते अथवा अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, इसलिए ये शॉर्ट ड्यूरेशन फोकस का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। मिड ड्यूरेशन फोकस को हम एक काबिल सर्जन के काम से समझ सकते हैं। जब कोई सर्जन अपने किसी मरीज का 8 से 10 घंटे तक लंबा सीरियस ऑपरेशन करता है तो उसका जो फोकस होगा वो मिड ड्यूरेशन फोकस के अंतर्गत आएगा। अगर वो अपने 8 से 10 घंटे लंबे ऑपरेशन में 1 मिनट के लिए भी अपना ध्यान इधर उधर करता है या अपनी एकाग्रता को भंग करता है तो मरीज की जान जा सकती है, और पूरे ऑपरेशन के दरमियान वह पूरी तरह से एकाग्र रहता है तो ऑपरेशन के प्रति उसकी जिम्मेदारी 100% पूरी हो जाती है और मरीज के बचने की संभावना अधिकतम हो जाती है। लॉन्ग ड्यूरेशन फोकस को हम पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान के उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ठाना कि उन्हें एक ऑलराउंडर बनना है, वो बने। उन्होंने तय किया कि उन्हें अपने देश के लिए खेलना है, वो खेले। उन्होंने सोचा कि वो अपने देश की क्रिकेट टीम को लीड करें, उन्होंने किया। अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने को उन्होंने मकसद बनाया, वो कामयाब हुए। अपनी माँ के नाम पर एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाना है, उन्होंने बनाया। पॉलिटिक्स में आकर देश को लीड करना उन्होंने अपना एम्बिशन बनाया। लोगों ने मजाक उड़ाया और 20 साल से ज़्यादा समय तक उन्होंने अपने मकसद पर फोकस बनाए रखा और आखिरकार वो अपने देश के प्रधानमंत्री बने, यानी सक्सेस रेट 100%। तो ये है लॉन्ग ड्यूरेशन फोकस को डेवलप करने का रिजल्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फोकस स्टेट और इसके टाइप्स को भली भांति समझ चुके होंगे। सक्सेस इंग्रेडिएंट्स के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे फोकस स्टेट में एंटर करने के तरीकों के बारे में। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।